तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि इनक्वालिटी में कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो टॉपिक फिनिश होता है। उसी लेक्चर में हमने बताया था कि आगे वीडियो में हम लोग लॉगरिथम की स्टडी करेंगे, और जब लॉगरिथम पढ़ लिया जाएगा तो लॉगरिथम और इनक्वालिटी को मिक्स करके कई सारे अच्छे सवाल बनाए जाते हैं। तो जब लॉगरिथम फिनिश होगा तब हम लोग वहाँ पर बात करेंगे एक साथ मिक्स करके। फिलहाल इस समय हम लोग लॉगरिथम की स्टडी करते हैं। लॉगरिथम का क्या यूज़ है, कब पैसे पता चलता है, क्या क्या सिस्टम है, वो सब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगरिथम स्टार्ट होने जा रहा है। तो जैसे लॉगरिथम पढ़ाने से पहले कुछ बात और बता देता हूँ। जैसे हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, तो जैसे आदत है साइन लिखने की, बट साइन नहीं होता है, पूरा नाम जो होता है वो साइन होता है, जस्ट लाइक दिस, ई के साथ लिखा जाता है। जैसे कॉस देखने की आदत है, तो ये कॉस नहीं होता है, ये होता है कोसाइन। ओके, तो बाकी के जो चार ट्रिग्नोमेट्री होते हैं उनके भी नाम अलग अलग होते हैं। बस मैं ये समझा जा रहा हूँ कि चैप्टर का नाम लॉगरिथम है, लेकिन जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपको सिर्फ ये सिंबल दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ लॉग। तो इस लॉग से पता चलता है कि हम लोग जो चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो सिर्फ लॉगरिथम कर रहे हैं। तो इस बात से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन, जैसे पूरा नाम तो लिखते नहीं, पूरा नाम तो साइन होता है लेकिन शॉर्टकट में सिर्फ साइन लिखते हैं। कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है लेकिन जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो सिर्फ कॉस लिखते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है लॉगरिथम पूरा नहीं लिखा जाएगा, उसको शॉर्टकट में सिर्फ और सिर्फ लॉग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका स्टार्टअप किस तरह से हुआ, क्या कारण था यहाँ पे डेवलप होने का, तो वो भी हम समझते हैं। तो थ्योरी है, इफ ए के पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब कोई भी चीज लिखा है उसका जब पावर करते हैं तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, कुछ भी हो सकता है उस सवाल के मामले में। जैसे मैं कहूँ कि 10 की पावर क्यूब, तो आप कहोगे 1000, यानी कि 1000। 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4 लिखा है तो आप कहोगे 16 आएगा। जैसे 2 पावर कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि यही लिखा हो, जैसे 3 पावर मान लो कि 4 लिखा है तो ये 81 आएगा। तो कहने मतलब है कि 10 की पावर 3 1000, 2 पावर 4 16, 3 पावर 4 81, इसका मतलब है कि किसी न किसी बेस का जब पावर कुछ भी किया जाता है तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे जैसे रिजल्ट के हिसाब से वाई के प्लेस पे क्या लिखा है, 1000, इस एग्जांपल की बात करें, एक्स के प्लेस पे 3 लिखा है और ए के प्लेस पर 10 लिखा है, इसका क्या मतलब कि जब किसी भी बेस के पावर करते हैं तो कोई ना कोई उसका रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में 1000 है, इस एग्जाम्पल में 16 है, इस एग्जाम्पल में 81 है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी कहा गया है कि जब इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो तो इसको हम लोग एक इंग्लिश मीनिंग में कुछ नाम देते हैं, जिसे हम लोग एक्सपोनेंशियल के नाम से जानेंगे, एक्सपोनेंशियल, और इस लिखावट को बोलेंगे फॉर्म। तो पूरा रीड करेंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर इस तरह से लिखा है तो मैथमेटिकली एक रूल बनाया गया दिस। इस चीज को देख के अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसे हम कहते हैं लॉग एरिथमिक फॉर्म, लॉग एरिथमिक कह सकते हो, हालांकि लॉग एरिथम भी कहते हैं कई बार, तो आप चाहो तो सिर्फ इतना लिख सकते हो, लिख लो पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं, लॉग एरिथमिक फॉर्म। ओके, अब बात करते हैं कि इस चीज से ये कैसे बना। तो ये रूल है, ये थ्योरी है, लॉगरिथम का जो डेवलपमेंट हुआ वो किसी एक्सपोनेंशियल को एक डिफरेंट फॉर्म में लिखने का एक प्रिपरेशन है। इस फॉर्म में लिखा जाए तो जैसे ए जो होता था वो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस कहलाता है, जो ए है, सिर्फ ए को बोल रहा हूँ, वो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस कहलाएगा, और इसका जो पावर है वो इस एक्सपोनेंशियल का पावर कहलाएगा, या इंडिक सेस कह सकते हो
जो भी समथिंग ओके तो इसे हम पढ़ेंगे ए के पावर एक्स ओके ए टू जी पावर ऑफ एक्स, कई लोग कई तरह से पढ़ते हैं और इसका रिजल्ट है वाई। तो जो रिजल्ट होता है वो लॉग में लिखा जाता है, एक्सपोनेंशियल का जो बेस होता है वही लॉग का बेस होता है और जो इसका पावर होता है वो इक्वल टू में होता है। इसका मतलब है कि अगर एग्जांपल लें कि 10^3 मान लो 1000 लिखा है, अगर ऐसा लिखा है तो हम इसे कहेंगे कि ये लिखा है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ओके, क्योंकि पावर से रिलेटेड है। सिंपल सी बात है, कहीं भी लॉग की स्पेलिंग दिख ही नहीं रहा है तो आप इसे कह सकते हो कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और आपसे कहा जाए कि इसको कन्वर्ट करो लॉगरिथम फॉर्म में तो आप क्या लिखोगे, देन मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ लॉगरिथम फॉर्म में, तो आप देख सकते हो y के प्लेस पे 1000 है दिस प्लेस, तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिखना होगा लॉग 1000, जो एक्सपोनेंशियल का बेस होता है वही लॉग का बेस होता है, तो यहाँ पे बेस की जगह पे क्या है 10, और जो पावर होता है वो लॉग का वैल्यू के इक्वल होता है यानी कि 3, मतलब जो पावर होता है वो लॉग के बराबर में लिखा जाता है। तो इस केस में लॉग के बराबर जो पावर है वो 3 के इक्वल है, ठीक। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वाला चीज़ सेट हो चुका है। अच्छा, तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फॉर्म। तो कहाँ से बना, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल आया था, उस एक्सपोनेंशियल के बाद कुछ इस तरह से लिखा गया जिसमें लॉग की स्पेलिंग यूज़ किया गया है, लॉगरिथमिक पूरा नाम होता है बट शॉर्टकट में लिखने के लिए हम लोग बस शुरुआत के 3 स्पेलिंग पे काम करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो चैप्टर का सवाल है वो लॉग का है, मतलब लॉग के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे रीड कैसे करते वो भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा है आप चाहो तो इस तरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ए यहाँ लिख लो बी यहाँ लिख लो, तो इसको रीड करते हैं इस तरह से लॉग ए बेस बी, पढ़ने का तरीका है पहले पूरा इसको छुपा कर पूरा पढ़ लो लॉग ए, और जब इसको रीड करना तो आपको उसके पहले ये वर्ड बोलना है बेस, बेस का मतलब आधार, तो वो हो जाएगा यहाँ पे बी, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये तो पढ़ने तरीका हो गया, अब जैसे मैं कुछ बात बोल रहा हूँ यहाँ पे जिसका कनेक्शन बाद में, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, जैसे याद करो लॉग का जो चैप्टर है नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में नहीं है, ओके कुछ जगहों पे नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड में नॉर्मली 9 से ही स्टार्ट हो जाता है, तो वो लोग ज़्यादा इसको जानते हैं अच्छे से, फिलहाल आई होप अगर आप पढ़े होगे तो आप भी जानते होगे, बट कंपटीशन एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं तो इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि लॉग 1 की वैल्यू क्या है, लॉग 1 की वैल्यू क्या है, तो कुल लोग को याद होगा 0, बिल्कुल सही है। पूछूं कि लॉग इस केस में क्या है तो कुछ लोग इसमें भी 0 बोलते हैं जो कि गलत है, और ये है सही। तो देखो लॉग 1 की वैल्यू 0 होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लॉग 1 की 0 यहाँ पे भी लिखा है लेकिन मैं कह रहा हूँ गलत है, क्या रीज़न है, तो ये सब रीज़न डिसाइड करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान देना है, जब तक ये डिसीजन नहीं ले पाओगे आप गलत सही का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाओगे, और यही होता है सबसे बेस्ट पार्ट जिससे कि हम लोग मिस्टेक करते हैं, तो इस मिस्टेक से बचने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। तो क्या बातें हैं समझते हैं, तो अब यहाँ से थ्योरी स्टार्ट होता है। थ्योरी ये कि लॉग ए बेस बी इज डिफाइंड रियल या फाइनाइट, इस चीज की वैल्यू डिफाइन कब होता है, रियल कब होता है,
फाइनाइट कब होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एग्जिस्ट कब करता है। डिफाइन का मतलब होगा रियल होना या फाइनाइट होना, तीनों बात का मतलब सेम होता है। ऑब्लिक का मतलब है तीनों में से हम कोई भी पढ़ सकते हैं, बट ज़्यादा फील आता है अगर हम ये बीच वाला पढ़ें, रियल वर्ड। ओके, बट आप तीनों पढ़ सकते हो एक टाइम पे। तो ये लॉग ए बेस भी डिफाइन कब होता है, तो ये जिसने भी चैप्टर को बनाया उसने सोच समझ के कुछ डिसीजन को लिया है जिसको हमें फॉलो करके आगे क्वेश्चन को करने हैं। तो ये नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, ये कोई सवाल नहीं है, जिसने चैप्टर को बनाया उसने इसके साथ साथ कुछ कंडीशन बनाया कि इस चीज़ को अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ होना है, डिफाइंड, रियल या फाइनाइट, तो इसमें ऐसा क्या क्या बिहेवियर होना चाहिए जिससे कि ये तीन बातों में से कोई भी बात हम कह सकें। ओके, तो क्या है पहला, यहाँ पे जो नंबर लिया जा रहा है ए का लॉग लिया जा रहा है, किस बेस पे लिया जा रहा है, बी पे। तो जिस नंबर का लॉग लेते हैं वो क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, सेकंड, बेस यानी कि बी भी पॉजिटिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इस चैप्टर में इस चीज़ को डिफाइन होना है तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, फिर बी की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। 0 से ज़्यादा तो होगा चलेगा, लेकिन 0 से ज़्यादा में ध्यान देखो कहीं ना कहीं 1 भी आ सकता है मे बी, तो वो 1 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बी को 1 नहीं होना चाहिए। ये दोनों बात आपको रटने हैं, याद रखने हैं, किसी भी लॉग के क्वेश्चंस में ये दो बात जब होगा तभी हम क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, वरना कभी भी नहीं करने वाले। ओके, इसके अलावा कुछ आता है तो वो सवाल गलत होगा, गलत मतलब अनडिफाइन होगा। ओके, जैसे ये डिफाइन होना है या रियल और फाइनाइट, तब ये कंडीशन है, और ये मतलब होगा कि दोनों के दोनों बात सही होने चाहिए, दोनों के दोनों। मान लो कि पहला सही है दूसरा भी सही है लेकिन ये नहीं सही है, तो पूरा मिलाकर गलत होगा। ओके, मान लो सिर्फ पहला सही है, ये दो गलत है, पूरा गलत है। कहने मतलब ये तीन टर्म लिखे हैं, तीनों के तीनों सही होना चाहिए, कॉमा लगाए। ओके, तो क्या मतलब है समझते हैं। जैसे मैं पूछूं कि log 3/2 ये कैसा है, डिफाइन है या नहीं है, तो आपका क्या कहना होगा, चेक करेंगे। ये चीज डिफाइन कब होता है, ए का प्लेस पे 3 लिखा है तो 3 क्या 0 से ज़्यादा होता है, बिल्कुल पहली बात सही हो गया, आगे बढ़ो। सेकंड है यानी जो बेस है वो भी 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या बात सही है भाई, 2 0 से ज़्यादा होता है, ये भी सही है। और साथ में कहा गया कि बेस की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो आप देख सकते हो साफ साफ कि यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो क्या ये दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब दोनों बातों को सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या कहेंगे इसे कि ये वाला लॉगरिथम हमारा डिफाइंड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मान लो लिखा है log 5/1 फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हो a के प्लेस पे है 0 से ज़्यादा होना चाहिए, हमारे प्लेस पे है यहाँ पे 5, तो क्या सच में 5 0 ज़्यादा होता है, बिल्कुल। तो आई थिंक पहला कंडीशन हमारा इसके अनुसार सही हुआ, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप, सेकंड कह रहा है कि जो बेस होता है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 लिखा है, तो यार 1 तो 0 से ज़्यादा होता ही है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये दो बात तो सही हो गया। लेकिन बगल में लिखा है कि बी यानी कि ये वाला जो प्लेस है कभी भी क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं होना चाहिए। ओके, बट इस केस में क्या है, 1 है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि दो बात तो सही था लेकिन तीसरी वाली बात जो है वो गलत हो गया। तो एक भी बात गलत होगा डिफाइन होने के लिए, तो आप हमेशा उस चीज़ को क्या लिखोगे, अनडिफाइन, ऑलवेज ऑलवेज लिखना है। एक भी गलत होगा तो आप हमेशा अनडिफाइन लिखोगे, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है log रूट log -2 या और यहाँ पे लिखा है 5, तो आप देख सकते हो एक जगह पे लिखा है -2, एक जगह पे लिखा है -2। अब बताओ -2 क्या 0 ज़्यादा होता है, बिल्कुल गलत है, -2 0 ज़्यादा नहीं होता है,
तो क्या पहले ही गलत हो गया? तो अगर पहले ही गलत हो गया तो आगे हम चेक नहीं करेंगे। आग बंद करके आपको क्या लिख देना है? अनडिफाइंड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें डिफाइन अनडिफाइंड के पॉसिबिलिटी बन सकता है। ओके, तो ये चीज़ हमने ये बताया कि किसी भी लॉ को अगर स्टडी करना है तो वो कब स्टडी होगा? वो तभी स्टडी होगा जब ये पूरी कॉम्बिनेशन आपके 100% सही होने चाहिए। एक भी स्टेप गलत हुआ तो वो पूरे सवाल को क्या बोल देगा? अनडिफाइंड। ठीक है, तो आप नोट कर लो, बाकी सब सही है। ओके, अब यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। अभी हम कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा के छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को मिक्स करके एक अच्छे सवाल तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है log a बेस a इज इक्वल टू 1, log a बेस a इज इक्वल टू 1। ओके, अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे 5 बेस 5 है तो आप क्या कह दोगे? 1। सेकेंड एग्जांपल, रूट 2 बेस रूट 2 है तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लिखा है log 1 बेस 1 तो ये 1 हो जाएगा। क्या ये वाला 1 सही लिखा है जो थर्ड एग्जांपल है? सेम सेम होता है तो 1 तो हमने पढ़ा रहे हैं यहाँ पे log के हिसाब से कि log a बेस a तो 1 होता है। कुछ लोग इसको रटते हैं किस तरह से वो भी देख लो, लोग इस तरह याद करते हैं कि दो log में जब सेम सेम होता है, यानी जिस नंबर का log लें और जो उसका बेस हो वो दोनों सेम सेम अगर होता है तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। तो ठीक है, इस बात का तो हमने यूज़ किया, तो देख सकते हो दो केस में तो हमने 1 लिख दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये गलत लिखा है और ये दोनों सही लिखे हैं। अब इसमें रीज़न क्या है गलत और सही लिखने का? रीज़न ये है कि ये जो लॉग है इसका रीज़न क्या होगा गलत होने, क्या रीज़न है? बिकॉज ऑफ log 1 1 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि जो बेस होता है वो 1 नहीं होना चाहिए और इस केस में इनका कहना है कि 1 है अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये इसलिए गलत है। आप समझ में आ रहा है कि जो डिफाइन रियल फाइनाइट का कॉन्सेप्ट था वो तभी होगा, आई मीन तभी हम स्टडी करेंगे जब a पॉजिटिव होना चाहिए, b पॉजिटिव होना चाहिए और b यानी जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये गलत होने का रीज़न है। आप खुद चेक कर लो अपने आप, ये दोनों डिफाइन था और सेम सेम था तभी हम 1 लिखे। ओके, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ 1 है वो तभी होगा जब ये डिफाइन होगा। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि वो डिफाइन कब होता है, वो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि वो log a बेस b का चीज़ें सारे टर्म्स याद होने चाहिए। तो जैसे a वाला प्लेस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अब बाई चांस दोनों सेम है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि a पॉजिटिव है या a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है इस केस के लिए। तो ये जब तक डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन होने के साथ साथ ये दोनों सेम भी होने चाहिए तभी आप रिजल्ट को लिखोगे 1 के इक्वल। आई रिपीट, log दोनों सेम सेम हो और डिफाइन भी हो तभी आप लिखोगे 1, वरना कभी नहीं लिखेंगे। तो ये गलत होने का रीज़न था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड फॉर्मूले पे। सेकेंड है log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस कुछ भी हो। log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस चाहे कुछ भी हो। तो क्या जो मैं बोल रहा हूँ कि बेस कुछ भी हो ये बात सही है क्या? ये बेस कुछ भी तो हो लेकिन ऐसा हो जिससे कि ये log की वैल्यू डिफाइन होना चाहिए। और याद करो बेस में a की वैल्यू कैसा होना चाहिए डिफाइन होने के लिए? बेस का वैल्यू कैसा होना चाहिए फॉर डिफाइन? बेस की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और बेस की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 1 के। ये तो लिखवाया गया था। तो जैसे एग्जाम्पल है 1 बेस 3, ये भी 0 होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि log 1 0 है, इंपॉर्टेंट है log 1 होने के साथ साथ a वाला जो प्लेस वो डिफाइन होना चाहिए। जैसे मान लो लिखा है 1 रूट 2, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि log 1, मान लो यहाँ पे किसी ने गलती से -2 लिख दिया,
तो क्या ये जीरो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि log वन, वन तो डिफाइन है लेकिन जो बेस की क्वांटिटी है वो निगेटिव है, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव। तो इसलिए ये गलत है। बाकी ये दो चीज़ आप चेक कर लो अकॉर्डिंग टू थ्योरी कि ये सही क्यों है, क्योंकि ये दोनों डिफाइन है तभी log वन की वैल्यू हम जीरो लिख पा रहे हैं, वरना नहीं लिख पाते। ठीक है, तो ये कुछ खास बात था, ये रहा दूसरा फॉर्मूला। अब चलते हैं कुछ नए तरीके से तीसरे फॉर्मूले की तरफ। तीसरा फॉर्मूला है कि log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो दो लॉग है। ठीक, दो लॉग है, दोनों लॉग में खास बात क्या है? सिर्फ एक खास बात है कि दोनों लॉग में बेस कैसा रखा गया है। सेम सेम रखा गया है, दोनों लॉग में जो बेस है वो सेम सेम रखा गया है। और इन डिफरेंट डिफरेंट लॉग को आपस में क्या किया जा रहा है? ऐड। तो ये फॉर्मूला है कि इन अलग अलग लॉग को दो बार ना लिखकर आप एक बार लॉग लिखो, और इस तरह से कि इनके नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल होते हैं। फिर से बोल लो, दो लॉग होने चाहिए। इस प्रॉपर्टी को तभी लगाना है जब दोनों लॉग को क्या किया जाए? ऐड। बट किस कंडीशन पे? जब दोनों केस में बेस क्या हो? सेम सेम हो, तभी ये होगा, वरना कभी नहीं होगा। ठीक, ओके। फॉर एग्जांपल तो आप देख सकते हो दो लॉग को ऐड किया जा रहा है, बेस दोनों में सेम सेम है, तो इन नंबर का आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आप चाहो तो 5x7 लिख के छोड़ दो, या फिर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, अब एक चीज और बोल लो, अब बताना क्या इस केस में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दो लॉग थे, दो लॉग है, ऐड करना है, ऐड करना है, दोनों में बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, बेस सेम भी है, तो क्या ये लिखना सही होगा? तो मेरा कहना है कि नहीं, बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं रीजन क्या है। रीजन ये है कि ये जो लॉग है ये कैसा है? ये अनडिफाइन है, और अनडिफाइन जब भी होगा कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा जितना भी हम फॉर्मूला पढ़ाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा दो चार और हैं फिलहाल, तो अच्छे लिख ले। और ये देखो डिफाइन है, डिफाइन क्यों है? क्योंकि जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव भी है, बेस भी पॉजिटिव है, और बेस के वैल्यू वन नहीं होना चाहिए, तो वो भी सही है क्योंकि यहाँ पे टू लिखा है। ठीक है, तो ये डिफाइन था लेकिन ये क्या है? अनडिफाइन। तो अगर किसी भी लॉग में अगर एक भी अनडिफाइन हुआ तो वो पूरा लॉग का सवाल जो होता है वो कंप्लीट अनडिफाइन कहलाता है। आप इसको रियल लाइफ में सोच सकते हो, मान लो कि एक लीटर दूध है, ठीक, उसको दही बनाना है, तो उसमें थोड़ा सा दही का थोड़ा सा पार्टिकल जो भी हो उसको कब पुट किया जाए दूध के अंदर, तो क्या सुबह तक पूरा दही बन जाता है? तो यहाँ पे दही का क्या मतलब क्या है, दूध का क्या मतलब, वो समझो। दही का मतलब है यहाँ पे अनडिफाइंड, और जितने डिफाइन होगा उसका मतलब दूध है। तो आप बताओ, एक किलो दूध हो चाहे 10 किलो चाहे जितना हो, दही बनाने के लिए तो थोड़ा ऐसे दही की ज़रूरत है। तो दही का मतलब थोड़ा सा एक भी अनडिफाइन हुआ तो वो पूरा मिला कर क्या कहलाएगा? वो अनडिफाइन कहलाएगा। ओके, तो ये बात मुझे बताना था। तो ध्यान रहे, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आप श्योर हो कि ये भी डिफाइन है और ये भी डिफाइन है। एक भी गलती से अनडिफाइन हुआ तो ये प्रॉपर्टी आपको नहीं लगानी। ठीक, फिलहाल जो सवाल हमारे सामने आता है मैक्सिमम वो डिफाइन ही वाले होते हैं, 1-2% कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो अलग बात है। ठीक है, अगर दो लॉग के बजाय कई सारे लॉग हों तो अगला क्वेश्चन ये आता है,
दो लॉग के बजाय अगर बहुत सारे लॉग हों, बहुत सारे लॉग हों, लेकिन इन सारे लॉग में खासियत क्या है? बेस सब में सेम रखा गया है, बहुत सारे लॉग हों, डॉट डॉट का मतलब आगे भी 6, 7, 8, 10, 10,000 जो भी है, इनफाइनाइट तक भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन इन सारे लॉग को ऐड भी किया जा रहा है और साथ में खास बात का ध्यान रखा गया है कि बेस सब में सेम है। तो ये थ्योरी कहता है कि बेस सेम लिख लो और इनके नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करो, m इंटू एन इंटू पी इंटू आर डॉट 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 डॉट। ओके, ठीक, फिर से बोल देता हूँ, कई सारे लॉग हो, पहली बात, सब ऐड हो रहे हो, सेकंड पॉइंट, और सारे लॉग का बेस क्या हो, सेम हो, थर्ड पॉइंट। तो जब ऐसा मिलेगा तभी आप इन सारे लॉग को इकट्ठा करकर आप सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो और जिस नंबर का हम लॉग ले रहे थे उन नंबर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। ओके, तो जैसे एग्जांपल, जैसे 5 बेस 3 लिख दिया जाए, 2 बेस 3 3 बेस 9, और भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे इस केस में 3 लॉग लिया है। तो रूल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इन सारे लॉग में जो बेस है वो 3 3 3 यानी कि सेम सेम है। तो जो सेम सेम होता है उसको इकट्ठा कर लो, ठीक, 5 2 9, इनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये जो भी आता है वो आप इकट्ठा लिख सकते हो, ठीक है, ये था। लेकिन अगर कुछ इस तरह से हो गया, फॉर एग्जाम्पल 4 लॉग है, बिल्कुल सबको ऐड किया जा रहा है, जी हाँ, लेकिन क्या ये फॉर्मूला लग सकता है पूरा कंप्लीट? तो आप देख सकते हो पूरा नहीं लगेगा। क्या गलती है? गलती इसमें ये है कि ये लगता तभी है जब सारे लॉग का बेस कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो जगहों पे सेम दिख रहा है और दो जगहों पे डिफरेंट दिख रहा है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो दो जगह सेम हो, दो जगह डिफरेंट हो, हो सकता है दो जगह सेम हो बाकी के 6-7 जगह सेम हो, ऐसे भी हो सकता है। ओके, चलो इस चीज़ को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए काम कर लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 बेस 7 लिख देते हैं, ठीक। तो देखो यार, पूरा तो इकट्ठा नहीं हो पाएगा, लेकिन इनमें से जिस जिस को इकट्ठा किया जा सकता है आप उसको तो इकट्ठा कर ही सकते हो। जैसे 1 2 3, मैंने इस पर टिक क्यों किया है, रीज़न है लॉग 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 है और सबको ऐड भी किया जा रहा है और बेस भी कैसा है, सेम सेम सेम। ओके, और ये जो पार्ट है ये 3 बेस वाला, इसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो टिक वाला इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 10 × 7 5 × 10 × 7 प्लस लॉग बेस 3, तो 7 × 2, तो ये हो जाएगा जो भी है देख लेते हैं, 7 × 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसको हमें इकट्ठा करने के लिए रूल नहीं है, क्योंकि बेस डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं और एक साथ इकट्ठा तभी होता है जब सबका बेस कैसा हो, सेम हो, ठीक है। ओके, तो आप नोट कर लो।